हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ तीनों मेरे चैनल में जो मैक बैक टू बैक जिसका इंडिविजुअल रिव्यू एंड डेमो शेयर कर चुकी हूँ, वही विटामिन सी सीरम्स की रिकमेंडेशन एंड कंपैरिजन शेयर करने जा रही हूँ डियर, कि ऊपर परचेज करूँ, इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं आज आपकी वो सब जो इतना ज़्यादा क्वेश्चंस है, कॉम्प्लिकेशंस है, आप कन्फ्यूशन है, वो सब आपको मैं अभी मेरे इस वीडियो में आपके सोल्यूशन लेके आ गई हूँ। तो आप मेरे चैनल में जो करनी है, रेड वाला फ्री सब्सक्राइब का बटन को प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, ताकि वो सब जो आपका कन्फ्यूशन है वो आज क्लियर हो जाएगी। उसके साथ साथ मेरे प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे नियासिनामाइड, रेटिनल, जो भी है, ओले का क्रीम से बहुत सारे मैं स्किन केयर, मेकअप एंड हेयर केयर के रिव्यूज़ वगैरह करती हूँ, उससे आप एंजॉय कर सकते हो। और आने वाले भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उसके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके आस पड़ोस या आपका दोस्त या आपका जो भी जान पहचान वाला है, उनका भी कुछ कन्फ्यूजन रह सकती है, उनके लिए भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, तो उनका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो भी आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे पास है दिस 3 अमेजिंग विटामिन सी सीरम, जिनकी मैं रिव्यू ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसमें से ये है मेरे ख्याल से नंबर 1 पे, क्लेयर, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है। देन है रीकास्ट विटामिन सी सीरम, विटामिन सी 20% है इसमें, और ये है क्लेयर्स की है ये है 5%, बट एल एस्कॉर्बिक एसिड इस द प्योर फॉर्म में आती है, और ये है विटामिन सी 20%, और उसके साथ है आमला विटामिन सी के साथ 20%, विटामिन सी के साथ डॉक्टर सेठ का। ये तीनों मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, रीकास्ट का मैं भी लास्ट मंथ, इस मंथ में मैं जस्ट क्लेयर्स के बिफोर हैंड ही मैं इसे शेयर कर चुकी थी, और ये है रिसेंट मेरा जो मैंने शेयर किया। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने जाती हूँ। ये थोड़ा ये है इसका पैकेजिंग, तो आउटर कटिंग था, मैं बॉटल भी दिखा दूँ। ये है डॉक्टर सेठ का, सब गिर रही है, सॉरी। तो ये है डॉक्टर सेठ की, और ये है रीकास्ट की, ये है पम्प बॉटल, और बाकी का दोनों है ड्रॉपर सिस्टम। तो ये है ट्रांसपेरेंट कलर में, और बाकी है डार्क बॉटल में। तो चलिए इसके बारे में एक बाई एक मैं आपको बता दूं, बट यहाँ पे मैं छोटा छोटा जो हाइलाइटेड पॉइंट है उसको शेयर करूँगी सिर्फ। आपको अगर इन डिटेल्स जाननी है इनके बारे में, तो मेरे चैनल को जैसे मैंने बोला सब्सक्राइब कीजिए, और वो सब वीडियो आपको स्क्रॉल करने में मिल जाएगी। फर्स्ट मिलेगी क्लियर्स, क्योंकि वो एकदम रिसेंट है, फिर मिलेगी डॉक्टर सेठ, और फिर एक महीने के अंदर को मिल जाएगा रीकास्ट का। तो चलते हैं डॉक्टर सेठ के, जो मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों में से लास्ट में है। ये है डॉक्टर सेठ का इंडियन स्किन की रिकमेंडेशन, आमला वी सी 20 विटामिन सी सीरम। ये है इसमें 20% विटामिन सी, 1% विटामिन ई, एंड है 0.5% फेरुलिक एसिड, सोडियम हाइलुरोनेट है 1%, एंड अमला एक्सट्रैक्ट है, वाइटन स्किन एंड फेयर स्पॉट्स डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, पीएच फॉर्मुलेटेड 20 ml है इसका क्वांटिटी फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये है इसका आउटर कर्टन, और इसमें पीछे लिखा है कॉशन, यूज़ आपको SPF करनी है इसके साथ, प्रेगनेंसी सेफ है, डे नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हो। प्रेगनेंसी सेफ होने में भी आपको यू हैव टू आस्क टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही सेंसिटिव वाला फेज होती है। तो आप कुछ भी यूज़ करो, कोई भी ऐसे एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स, तो यू शुड आस्क टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, ओके। तो ये ड्रॉपर के साथ आपको यूज़ करनी है, फेस नेक आपको बैलेंस करके दोनों में लगानी है, और वंस इन अ डे आपको लगानी है, उसके ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर मॉइस्चर एंड आपका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह क्रीम भी आप लगा सकते हो। विटामिन सी के साथ इन तीनों में से भी कोई किसी के साथ आपको AHA BHA ग्लाइकोलिक एसिड रेटिनल ट्रेटिनॉइन यूज़ नहीं करनी है, एज वेल एज सैलिसिलिक एसिड भी नहीं जाएगी, लैक्टिक एसिड भी नहीं जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ इसके साथ यूज़ करनी है हाइलुरोनिक एसिड, पेप्टाइड, नॉर्मल कैलामाइन लोशन या नॉर्मल क्रीम जो होती है, मॉइस्चर जो होती है, उसे आराम से यूज़ कर सकते हो, और दिन में SPF यूज़ कर सकते हो, लेकिन SPF रेटिनल वाला नहीं चलेगा। तो चलिए इसको मैं पहले कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया। आपको ऐसे क्वेश्चन रहती है विटामिन सी के साथ दिन में क्या यूज़ करूँ, दिन में क्या करूँ, रात में क्या करूँ, मिल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसको लेके, फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे क्वेश्चन पूछना, मैं आंसर कर दूँगी। अभी होती है तो ये है 999, सबसे ये है सेकेंड एक्सपेंसिव तीनों में से, 999 की है, मैंने इसे 799 में परचेज की थी, और ये इसका शेल्फ लाइफ है दिया 3 ईयर्स। तो इसकी बात अगर बता दूँ, ये इसका कैप जो नीचे आवाज़ कर रही है, दिस इज़ द कैप, इसके साथ ये मिलती है, आपको इसको लगानी है।
ग्लास का बॉटल है, डार्क है, सेफ है, सनलाइट सेफ है, लेकिन फिर भी इसे ड्रग प्रेस में मैं रखती हूँ ताकि ऑक्सीडाइज नहीं हो। पंप बहुत ही अच्छे से काम करती है। टेक्सचर मैं दिखा दूँ, अरे बाप रे, ये इससे भी मैं बहुत ज़्यादा ख़त्म कर लिया, लेकिन फिर भी है ओके, नथिंग टू वरी, आधे से ज़्यादा ख़त्म किया है। और ये वाटर बेस्ट है, लेकिन स्किन में ग्लो रहती है, ड्राई बिल्कुल नहीं करती है स्किन को, ओवर ऑयली, स्टिकीनेस कोई भी, आई मीन बहुत ही हैवीनेस कुछ नहीं लगती है। आप देख सकते हो स्किन में ग्लो है, अब्जॉर्ब होगी। और भी 2-3 मिनट दोगे तो बहुत अच्छे से पैटिंग मोशन में आप पैट करो तो बहुत अच्छे से ये अब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, सीधा ग्लो। आई एम वेरी हैप्पी, ये बहुत अच्छे से आपके स्किन में ग्लो देती है, नंबर वन प्रॉस। नंबर टू है, स्किन में आपका ब्राइटनेस भी रहती है, फेड आउट करती है आपका स्पॉट्स, लेकिन टाइम टेकिंग है। बट एक बात है, अगर मैं कंपेयर करूँ इस तीनों में से, तो ये मुझे थोड़ा, आई मीन स्पॉट्स रिडक्शन में थोड़ा कम लगी, और स्किन में जो ग्लो है तो ज़रूर ज़रूर देती है, ब्राइटनेस में भी कम लगी थोड़ा, इसलिए मैं इसे 3 में रखी हूँ, लेकिन करती है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं है। आई मीन रिकास्ट जैसे कि ये 20% में आती है, इसका प्राइस मैं बताऊँ, ये 1200 है, लेकिन क्यों मैं इसे सेकंड बोली, इसे मैं थर्ड बोल रही हूँ, क्योंकि ये हमेशा से आपको 600-500 में मिलेगी अमेजन में, बट इसमें डिस्काउंट ज़्यादा नहीं मिलती है डियर, 10-15% मिलती है। इसके साइड में कभी कभार एनिवर्सरी हो या कुछ स्पेशल कूपन मिले तो आपको 20% तक मिल जाती है। तो ये एक्सपेंसिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी ठीक ठाक ही है, काम थोड़ा लेट करती है, और उतना भी एकदम ड्रास्टिक चेंज आपके स्किन में क्विक नहीं देगी। इसको आपको पेशेंट लेके, इसको आपको बहुत ही पेशेंसली यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको, आई मीन कीप पेशेंस वाला फॉर्म में यूज़ करनी है, तो तुरंत रिजल्ट आप नहीं लगेगी, आपको नहीं मिलेगी, बट ये सभी स्किन में जाएगी। आपका ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन है, सभी में जाएगी। तो वेरी गुड वन, आप इसे ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छी भी लग सकती है। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप यूज़ कीजिए 2-3 महीना, फिर आपको लगेगा कैसा, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर इस वाले वीडियो में बैक करके मुझे कमेंट करके जाना। मुझे ये अच्छा लगा, मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ, अभी हाफ के ज़्यादा मैं यूज़ कर लिया है, लेकिन मैं अभी ज़्यादा क्लेयर्स यूज़ करती हूँ, तो अभी थोड़ा सा मैंने इसे साइड में रख दिया, क्योंकि इसका मुझे इफेक्टिव मिल गई है। स्किन में पोर्स को मिनिमाइज़ करती है, ग्लो लाती है, अच्छा सीरम है, लेकिन थोड़ा सा ब्राइटनेस या स्पॉट रिडक्शन में थोड़ा स्लो जाती है। नंबर टू में है रिकास्ट। रिकास्ट का है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूटाथियोन है इसमें, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, प्रोफेशनल लेवल में है, 30 ml है इसका क्वांटिटी। प्राइस में बता दिया 1200, मैं सेकेंड टाइम परचेज किया था, फर्स्ट टाइम मुझे 500 समथिंग में मिली, और लास्ट टाइम ये मुझे 600 अराउंड मिली थी शायद, दोनों के दोनों टाइम में अमेजन में वैसे परचेस किया। ये भी है, इसका शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। इसे भी आपको कूल एंड ड्राई प्लेस में लगनी है, हालांकि ये आती है पम्प बॉटल में, ये इसके साथ कैप थी शायद, लगा हुआ था इसका कैप होता तो मैं इसके साथ ही रख देती, आई कैन रिमेंबर राइट नाउ। तो ये भी अच्छे से आपको शेक करके लगानी है, 2x a day लगा सकते हो। इस पे डियर अगर मैं बोलूँ तो ये डॉक्टर सेठ के साथ हिसाब से ये ज़्यादा काम करती है स्किन में। आपका जो डलनेस आ जाती है ना, सन डैमेज होती हो जाती है स्किन, बहुत ही रूखा सूखा सा हो जाती है, और स्किन में स्पॉट्स हो जाती है, स्किन झुलस जाती है, और थोड़ा पर्पलिश हो जाती है टैन में, तो ये उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें एंटी एजिंग फैक्टर भी है मुझे लगती है, क्योंकि स्किन में ना एक आपको थोड़ा सा, क्या बोलूँ मैं, सैक्ट स्किन अगर आपको हो गई ना, स्किन को थोड़ा सा ग्लो देती है, स्किन को थोड़ा टाइटर बनाती है, फिर वो फॉर्म बनाती है। मैं इसे पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया, आई डोंट नो इसमें बचा है कि नहीं बचा, से थोड़ा सा भी लगेगा, ये देखिए बहुत ही कम। तो ये भी डियर है एकदम वाटर बेस्ड टोटली, इसमें ग्लो उतना ज़्यादा नहीं देती है इंस्टेंट, लेकिन स्किन को धीरे धीरे आपको सॉफ्ट एंड सपल बनाएगी। और इसके साथ आप अच्छे से सनस्क्रीन लगाओ, अच्छे से मेकअप बेस में काम करेगी, हालांकि ये डॉक्टर सेठ का भी बहुत अच्छे से मेकअप बेस के हिसाब से काम करती है, मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो दिस इज़ द अनदर वन मैं अच्छे से रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसमें एक एंटी एजिंग फैक्टर है, ग्लूटाथियोन है, तो आप इसे 6 मंथ्स एटलीस्ट यूज़ करो तो सी द मैजिकल चेंज। आपका जो ड्राइनेस, डार्कनेस, टैन, अनइवन स्किन टोन, स्पॉट्स, आपको माउथ, यहाँ पे जो अराउंड योर माउथ जो डार्कनेस होती है वो धीरे धीरे मुझे मिनिमाइज़ करती हुई नज़र आई है। और थोड़ा सा मुझे पता नहीं, क्योंकि भाई लाइन्स वगैरह होती है ना, बहुत ही फाइन लाइन्स एकदम एकदम, उसमें थोड़ा सा मुझे रिडक्शन लगी, आई डोंट नो कैसे हुआ बट मुझे लगी। तो इसलिए मैं रिकास्ट को ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट करूँगी। आप चाहो तो अमेजन से
डॉक्टर सेठ के पहले रिकस्ट को परचेस कर सकते हो, प्राइस में भी थोड़ा कम है और इफेक्टिवनेस थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए अभी मेरा जो एकदम नंबर वन मेरा विटामिन सी है, जो मेरे इसके इंडिविजुअल वीडियोस में भी मैं इन डिटेल्स प्रॉस कॉन्स इसका डेमो सब कुछ दिखा दिया हूँ, क्यों ये मेरा इतना फेवरेट है सब कुछ मैंने शेयर कर दिया, वो जाके देख लो। तो दिस इज़ द नंबर वन मेरे अकॉर्डिंग। प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है, 1500 के ऊपर है इसका प्राइस। जी हाँ, ये है 1570 है। मैंने इसे 1499 में परचेस किया था। नायका में मिलती है, आधे से ज़्यादा टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहती है और डिस्काउंट में नहीं मिलती है। जब भी आउट ऑफ स्टॉक से ज़्यादा स्टॉक, जब भी ये स्टॉक में बैक हो जाए और डिस्काउंट मिल जाए 10-20%, अभी से मैं कह दे रही हूँ इसे ही परचेस करो। ये बाकी दोनों को देखने की ज़रूरत नहीं है, गो विद दिस वन। 5% है, लेकिन एल अस्कॉर्बिक एसिड है, प्योर फॉर्म में है, स्किन में वर्म लगती है एकदम, आपको लगेगा प्योर कुछ लगा रहे हो। डियर, इसमें काम करेगी ही करेगी, ये काम करनी ही है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी फर्स्ट डे से। ये आपके स्किन का जो टेक्सचर है चेंज कर देगी, धीरे धीरे 1 month करोगे तो आप वापस आके मेरे चैनल में लिख जाओगे। लेकिन आपका स्किन सुपर इरिटेटेड है, सुपर सेंसिटिव है, सन में जाते हो तो ईचिंग होती है, बड़ा बड़ा एक्नेस है, नहीं चलेगा बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप डॉक्टर सेठ का लो, दैट्स द सेफेस्ट वन। यही है डॉक्टर सेठ का बात। आप अगर सेंसिटिव स्किन है तो डॉक्टर सेठ वाला लो। अगर आपका ड्राई मैच्योर स्किन है लेकिन दाम बजट आप कम में रखना चाहते हो तो रिकास्ट का लो। उसके साथ साथ आपका यहाँ का जो माउथ के अराउंड जो आपको डार्कनेस या पैचीनेस है वो भी जाएगी। लेकिन आपका स्किन सेंसिटिव नहीं है, आपका पॉकेट भी आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हो और क्विक रिजल्ट चाहते हो, फेयरनेस, ब्राइटनेस, स्किन का टेक्सचर, ग्लो, स्पॉट मिनिमाइजिंग, तो प्लीज़ गो विथ दिस वन। ये थोड़ा सावधानी से रखनी है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, बहुत अच्छे से पंप आपका जो ये है काम करती है, लेकिन ऑक्सीडाइज्ड क्विक होती है, तो बी केयरफुल। यूज़ करो, फ्रिज में रखो, डार्क प्लेस में रखो, ऐसा करके भी यूज़ करनी है। दोनों टाइम यूज़ कर सकते हो, दिन में SPF के साथ, रात में आपका फेवरेट वाला कोई क्रीम है उसके साथ, लेकिन जो जो मैंने बोला वो वाले इन्ग्रीडियंट्स के साथ मत कीजिएगा। वार्म फील होती है, इफेक्टिवनेस इतना ज़्यादा है, इतना पोटेंट है ये, इसलिए इतना हाइप है, इसलिए सब इंटरनेशनल नेशनल इन्फ्लुएंसर से लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट इसे ही सजेस्ट करते हैं। दिस द कोरियन ब्रांड एंड वेरी वेरी फेमस ब्रांड एंड वेरी इफेक्टिव। स्किन में ग्लो देखिए, थोड़ा सा ऑयल बेस्ड है अंडरनीथ योर मेकअप, अगर आप लगाओगे ड्यूई मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, मैच योर स्किन में एटम बूम है। तो ये था मेरा सजेशंस एंड कंपेरिजन, होप आपको पसंद आई, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।